happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Surbhi Jyoti ka happy wala birthday. दोस्त श्रुति के साथ मस्तियाँ, सास बहू और बेटिया के साथ लगा रही है प्यार का ये पौधा। नागिन 3 की नागिन और कबूल है कि जोया रियल लाइफ में आज बना रही है अपना हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन केक काट के या मोमबत्ती बुझाकर नहीं बल्कि प्लांट लगा के और दोस्तों के साथ मस्तियां करके, और ये खास बर्थडे मना रहा है सास बहू और बेटिया। सास बहू बेटिया जब पहुंचा सुरभि ज्योति के घर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करने, तो वहां वो अपनी फ्रेंड श्रुति के साथ देखिए कैसे मस्तियां कर रही है। श्रुति और सुरभि की ज्योति इंटरनेट पर बहुत फेमस है, और आज के दिन भी दोनों फ्रेंड्स देखिए कैसे मस्ती कर रही हैं, खास तरह का डांस कर रही हैं और पंजाबी गाने गा रही हैं। जहाँ पे भी हम होते हैं तो हमारे साथ भी जो लोग होते हैं ना उन्हें भी पता चल गया, वो हट जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये गाना आ गया इस पे तो डांस करना है, एंड हम कहीं नहीं देखते आसपास कौन है कौन नहीं है, और कोई भी पंजाबी वो मतलब मुझे लगता है ये तो गॉड्स गिफ्ट है कि हम दोनों पंजाबीज हैं। यस, और कहीं भी पंजाबी गाने चलते तो हमारे साथ के लोगों को कम ही समझ आते हैं और हमें एकदम समझ आते हैं, तो हम दोनों मतलब एकदम भंगड़ा और सब बिल्कुल फुल ऑन। पंजाबी गाना हुला के तीन पैग बलिए पांदे पांदे भंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के लेकिन रियल बर्थडे तो सुरभि ज्योति ने बनाया सास बहू और बेटिया के साथ इस गमले में प्लांट लगाकर। जो उन्होंने अपनी बालकनी में सजाया, तो सुरभि कैसा लगा आपको ये बर्थडे का सरप्राइज? हाय गाइस, सास बहू और बेटियां के साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंड दिस इज रियली द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, बिकॉज केक्स तो यस एज यू नो वी ऑल आर एक्टर्स एंड इतना ज़्यादा केक हम नहीं खा पाते, एंड इको फ्रेंडली तरीके से आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एंड व्हेन टीम सास बहू बेटियां केम एंड आई सॉ प्लांट इन द हैंड, आई वाज लाइक वाओ दिस इज एक्चुअली वेरी थॉटफुल एंड वेरी इनोवेटिव एंड आई एम जस्ट गोना डू इट, एंड यू नो दिस इज गोना बी विद मी फॉर एवर बिकॉज एल्स ऑल्सो आई हैव प्लांट्स इन माई हाउस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये एक और है, एंड ऑफकोर्स आई विल रिमेंबर आज तक फॉर एवर एंड आई विल रिमेंबर सास बहू बेटियाँ, एंड आई रियली होप कि ये टू साइडेड हो, लाइक you know I'm just gonna remember them, you guys utna hi aap log mujhe pyar dein, and of course jo mera show aa raha hai Naagin usko bhi, and I really hope ki jo aapka pyar hai jo aapka support hai wo isi tarah mere sath bana rahe। चलिए भाई, सुरभि ने अपना पौधा गमले में लगा दिया, अब वो पौधा उठाकर वो अपनी बालकनी में रख रही हैं और अपने गिफ्ट को अपने घर में सजा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन, इफ़ यू कैन जस्ट सी द व्यू फ्रॉम माई बैल्कनी इट्स जस्ट ऑल ग्रीन, यू नो सो गार्डन्स हैं ग्राउंड्स हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये सब, मुझे मैं ना इसे खुशहाली बोलती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसे किसी की बैल्कनी में प्लांट्स लगे होते हैं, मैंने आउटडोर प्लांट्स ज़्यादा नहीं रखे हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ, लाइक समटाइम्स यू नो वी गो आउट फॉर शूट, पीछे से आप पानी नहीं दे पाओ तो वो आउटडोर प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बट दिस टाइम आई एम गोना मेक श्योर कि जो मेरी मेड है वो डेली आए और इसको वाटर करें। इसी हफ्ते से सुरभि ज्योति बन जाएंगी नागिन की नागिन, और साथ साथ उनका बर्थडे, भाई क्या बात है। सच बोलो तो जब एकदम पहले सुना था तो मुझे लगा था ओ शिट, बिकॉज मेरे मन में और रियल लाइफ में सुरभि इज़ अ वेरी वेरी यू नो पॉजिटिव एंड हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड सम हाउ नागिन वर्ड से ही मुझे ऐसे एकदम श्रूड लोग सर ऐसे चंड चालाक शक्लें याद आती है, तो मुझे लगता था कैसे होगा ये, लेकिन अभी मैं उसको सेट पे देखती हूँ एकदम ईज से ऐसे एक्टिंग करते, मुझे लगता है चलो वेरी गुड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्रांड शो एंड यू नो विद इट एक्सपेरिमेंट फॉर मी आल्सो,
द बेस्ट गिफ्ट जो किसी को भी आप दे सकते हैं, विच इज़ अ प्लांट जो कि हमेशा आपके साथ रहता है, आप रोज़ उसे देखते हैं, और इको फ्रेंडली तरीके से जो आज मैंने सास बहू और बेटियां के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। क्या बात है, कितना स्पेशल है ये बर्थडे। तो उम्मीद करते हैं कि सुरभि का ये बर्थडे बहुत ही मेमोरेबल हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं। तो सास बहू बेटा की टीम की तरफ से सुरभि को उनके बर्थडे के लिए बधाइयां, और साथ साथ नागिन 3 के लिए भी लख लख बधाइयां। मुंबई से नूपुर मौर्य के साथ आज तक ब्यूरो।